सुपर टेक के एपेक्स और सियान टावर कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील हो जाएंगे और ये घटना वैज्ञानिकों के लिए भी एक अभूतपूर्व घटना है। तो और वैज्ञानिक भी चाहते हैं कि इससे जुड़ी हर एक जानकारी उन तक पहुंचे और इसीलिए इन दोनों टावर्स में, ट्विन टावर्स में ब्लैक बॉक्स लगाए गए हैं, वो खारा के ब्लैक बॉक्स जो हर एक जानकारी, हर एक डिटेल रिकॉर्ड करके देंगे वैज्ञानिकों को। आपने इससे पहले विमान हादसे के बाद अक्सर ब्लैक बॉक्स तलाश करने और हादसे की सही वजह जानने की खबरों के बारे में सुना होगा, लेकिन 100 मीटर ऊंची इमारतों के गिरने के दौरान होने वाली हर गतिविधि को ठीक से समझने के लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ट्विन टावर में ब्लैक बॉक्स रख रहे हैं। कि यूनिक एक इवेंट है, उसको कैप्चर करना चाहते हैं हम अपना साइंटिफिक स्टडीज के लिए, और क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है उसको इवेंट को कैप्चर करने के लिए, तो डिफरेंट बिल्डिंग के अलोंग द हाइट सो डिफरेंट ब्लैक बॉक्स लगने जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये दिखता है ब्लैक बॉक्स, इस तरह के एक दो नहीं, पूरे 10 ब्लैक बॉक्स बिल्डिंग में लगाए गए हैं। ये ब्लैक बॉक्स कितने मजबूत होते हैं उसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब ये पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी तब भी मलबे में दबे ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहेंगे। धमाके के बाद CBRI के वैज्ञानिक बिल्डिंग के मलबे से इन ब्लैक बॉक्स को तलाश करेंगे। बहुत स्ट्रांग होंगे, ऐसे बिल्डिंग को गिरने से वो टूटेगा नहीं, और वो ब्लैक बॉक्स हम आफ्टर डेमोलिशन रिकवर करेंगे एंड वी विल सी व्हाट इज एग्जैक्टली हैपन। सो इसमें बेसिकली एक इनर्शियल सेंसर है, एक जायरोस्कोप है, जायरोमीटर है, एक एक्सेलरेशन सेंसर से, सो जो भी मास जैसे भी गिरेंगे तो उसको हम कैप्चर करेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, क्या ट्विन टावर में लगने वाले ब्लैक बॉक्स ठीक वैसे ही ब्लैक बॉक्स हैं जिनका विमानों में इस्तेमाल होता है? चलिए अब हम आपको ये भी समझाते हैं आखिरकार ब्लैक बॉक्स के जरिए वैज्ञानिक किन चीजों की स्टडी करना चाहते हैं। ब्लैक बॉक्स के जरिए वैज्ञानिकों को मालूम चलेगा कि दोनों टावर के अंदर ब्लास्ट के दौरान क्या हुआ, ब्लास्ट के दौरान टावर्स में कितना कंपन होगा, ब्लास्ट की आवाज कितनी तेज थी, धमाके के बाद धुएं का लेवल क्या था, बिल्डिंग का मलबा कितनी तेजी से गिरा और बेसमेंट की सतह पर दबाव कितना बना। अब तक ब्लैक बॉक्स का जिक्र किसी विमान के क्रैश होने पर उसकी जांच में ही आता था, पहली बार किसी ध्वस्तीकरण में जानकारी जुटाने के लिए इनका उपयोग होने वाला है। आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, क्या ट्विन टावर में लगने वाले ब्लैक बॉक्स ठीक वैसे ही ब्लैक बॉक्स हैं जिनका विमानों में इस्तेमाल होता है? वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों ब्लैक बॉक्स में कई बातें समान हैं, लेकिन विमानों के ब्लैक बॉक्स ज्यादा एडवांस होते हैं। हाँ, उस तरह से उनका और भी मॉनिटरिंग पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे एक्सेलरेशन, फिर इनर्शियल मेजरमेंट सेंसर, ये सब रहेंगे। इसको नापने के लिए अलग अलग जगह पे बिल्डिंग के अंदर ही हमने लगाया, बिल्डिंग के ऊपर जिस जगह पे विस्फोट होना। धमाके के बाद बिल्डिंग के अंदर क्या क्या हुआ इसकी जानकारी ब्लैक बॉक्स से मिल जाएगी, लेकिन ये धमाका कैसे होगा अब आप ये भी समझिए। और क्या ये इतना आसान है? ये दिन बिल्डिंग गिराने वाले वैज्ञानिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस काम में लगे इंजीनियर्स शनि मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे ताकि बिल्डिंग गिराने का काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए। वैसे इंजीनियर्स ने इस धमाके को वैज्ञानिक कसौटियों पर भी पूरी तरह से परख लिया है। धमाके के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल होगा, बिल्डिंग गिराने के हिसाब से विस्फोटक लगाए गए हैं। पहले सियान टावर में धमाके शुरू होंगे, सियान के 60% बारूद फटने के बाद एपेक्स में धमाका शुरू होगा। वाइब्रेशन को कम करने के लिए धमाकों में ये अंतर रखा गया है, 17 मिलीसेकंड से लेकर 200 मिलीसेकंड के अंतर पर धमाके होंगे। पूरा बारूद फटने में 9 सेकंड लगेंगे और बिल्डिंग नीचे गिरने में 4 सेकंड, यानी कुल मिलाकर 12 से 13 सेकंड में ये बिल्डिंग पूरी तरह से नीचे गिर जाएगी। इस काम में लगे इंजीनियर्स के मुताबिक सब कुछ प्लान वे में होगा और इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, जिससे 4 मंजिला मलबा तैयार हो सकता है। के जो इम्प्लोजन का टेक्निक है, इसमें हम लोग इंटेंशनली इसको पुल और फॉल का ये दिए हैं। पुल मतलब ये जो दोनों सोसाइटीज़ हैं, टावर्स हैं, 7 टावर 50 मीटर क्रिटिकल जोन के अंदर, उस टावर से दूर के दूसरे डायरेक्शन में पुल करके फिर फॉल करना है। कुल मिलाकर ट्विन टावर्स को गिराने की तैयारियां फुल प्रूफ है, सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूरी हैं। आसपास रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, अब सभी को उस वक्त का इंतजार है जब करप्शन के इन टावर्स को मलबे में तब्दील करने वाला धमाका किया जाएगा।
वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा। तो ट्विन टावर गिराने से पहले किस तरह की है तैयारी, इस पर हर तस्वीर और हर जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम, चंदन, जितेंद्र, वरुण और शिवम हमें जानकारी दे रहे हैं। राम, एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब ये बिल्डिंग गिरेगी, यहां के रेजिडेंट्स के मन में सवाल है कि बिल्डिंग गिरेगी तो किस तरफ गिरेगी, कितना धुआं उठेगा, प्रदूषण कितना होगा, फिर स्थिति को सामान्य होने में कितना समय लगेगा, इन सवालों के जवाब भी ये लोग तलाश रहे हैं। और उन सवालों के जवाब जी न्यूज पर लगातार हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए। पीछे की तस्वीर एक बार हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, ये पहले ये वादा किया गया था कि ग्रीन जोन में होगा और उसके आसपास काफ़ी हरियाली भी है। ये जहां पर टावर हैं इनके बारे में पहला जवाब तो ये है कि कोशिश ये है कि बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ गिरें, जैसा जितेंद्र बता रहे थे कि एक वाटरफॉल की शक्ल में जैसे झरना गिरता है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ ये दोनों इमारतें, एक की ऊंचाई जिसकी 29 मंजिल है और दूसरी की ऊंचाई 32 मंजिल है, ये दोनों बिल्कुल नीचे की तरफ धस जाएंगी। और जिस जगह पर हैं, आधा मलबा तो उसी के नीचे बेसमेंट में चला जाएगा, आधा मलबा जो ऊपर रहेगा वो भी कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबसे बड़ी चिंता यहां से अगर मैं दिखा सकूं वो तस्वीर, इन दो इमारतों, जो दूसरी इमारतें हैं जहां पर लोग रहते हैं, उनके बीच की ये दूरी है, ये तकरीबन यहां से अंदाजा ये है कि 9 मीटर के आसपास की दूरी है। इसका पैमाना आधिकारिक रूप से 20 मीटर कम से कम होना चाहिए था। यही सबसे बड़ी खामी इसके निर्माण में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो पाई गई थी। तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि 9 मीटर दूर जो इमारत है उसका क्या होगा, क्या उसमें धमक की वजह से बड़ा नुकसान होगा या कुछ मलबा गिरेगा, तो उसके लिए इसको बाकायदा कवर किया गया है और माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल किया गया है। ये आम कपड़ा नहीं है जो बिल्डिंग के ऊपर इस वक्त आप देख रहे होंगे। तो ये ज़्यादा चिंता की बात रेजिडेंट्स के लिए है, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो तकनीकी जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम दूरी तक ये मलबा जाएगा, ये वो इंश्योर कर रहे हैं। देखिए विशाल, इससे पहले 2020 के अंदर केरला के कोची में एक 18 से 20 स्टोरी की जो चार रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स थी उनको गिराया गया था और उसका काम भी एडिफिस इंजीनियरिंग को दिया गया था और जेट डेमोलिशन जो कि साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है उसकी मदद से उन बिल्डिंग को गिराया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो 18 से 20 मंजिला इमारत थी, लेकिन जो आप पीछे ये जो देख रहे हैं ट्विन टावर्स, ये 32 और 29 मंजिला है और इसके बिल्कुल बगल में जो बिल्डिंग्स बनी हुई है। अब इसमें क्यों एहतियात बरते जा रहे हैं ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो कानून कहता है उसके मुताबिक एक बिल्डिंग से, एक टावर से दूसरे टावर के बीच में कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो दूरी है वो 9 मीटर से भी कम की है। यानी कि ये अपने आप में बताता है कि कैसे कानून का उल्लंघन किया ही गया था मीटर इस बिल्डिंग को बनाने में, और किस तरह से अगर जब इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा, तब जो मलबा उठेगा, जो धुआं धूल ये जो निकलेगा, तो वो किस तरह से चारों तरफ फैल जाएगा। और यही वजह है कि जो अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने यहाँ पर पूरे इंतजाम किए हुए हैं, जो बिल्डिंग्स है, आसपास की बिल्डिंग्स है उनके ऊपर बिल्कुल इतने इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इससे पहले इतनी ऊंची इमारत को कभी गिराया नहीं गया, इसके गिरने के बाद की स्थिति क्या होगी, रेजिडेंट्स जो है यहाँ पर रहने वाले उनके लिए चुनौतियां क्या है, और ट्विन टावर को गिराने के जो हर तस्वीर है, जो हर डिटेल है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।